अभी हम क्लास 10 का साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं यूनिट 1 जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यूनिट 2 एसिड बेसेस एंड साल्ट्स, यूनिट 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यूनिट 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यूनिट 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब बायोलॉजी का लेक्चर देखते हैं कौन सा यूनिट है। यूनिट 6 लाइफ प्रोसेस, यूनिट 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यूनिट 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, यूनिट 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यूनिट 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब यूनिट 10 हम देखेंगे जो कि फिजिक्स आ जाता है, इसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यूनिट 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यूनिट 12 इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। यूनिट 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। यूनिट 15 आवर एनवायरनमेंट। यूनिट 15 आवर एनवायरनमेंट। यूनिट 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर्स से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं पहले इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करके, इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 12 है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 12 है। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिक करेंट। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करेंट एंड सर्किट क्या होता है, सर्किट के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रिक करेंट के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये एक सर्किट है, ये बैटरी है, ये रेसिस्टर है। तो ये एक सर्किट है, इसमें जानेंगे कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या होता है, रेसिस्टर क्या होता है, ये सब जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे और सर्किट ये है, सर्किट के बारे में जानेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये जो हम भी लिखे हैं बैटरी है, ये पोटेंशियल है, इसके बारे में जानेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे, सर्किट डायग्राम के बारे में जानेंगे। सर्किट डायग्राम क्या होता है, ओम्स लॉ, जैसा कि हम लोग सुना है वी इज इक्वल टू आई आर, तो ये कैसे आया, करंट और रेजिस्टर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू वी वोल्टेज, ये कैसे आया, ये ओम्स लॉ में जानेंगे। इसके आगे देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ये रेजिस्टर्स, ये रेजिस्टर्स किस चीज पर डिपेंड करता है, ये रेजिस्टर किस चीज पर डिपेंड करता है, ये हम देखेंगे। फिर रेजिस्टेंस किस तरह से लगा हुआ होता है सिस्टम में,
सीरीज में और पैरेलल में। जैसे कि ये देखते हैं, पहले सीरीज का देखते हैं। सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है, इसको रजिस्टर बोलते हैं। ये सीरीज में लगा हुआ है तो, और ये पैरेलल में लगा हुआ है। अब ये समझेंगे कैसे सीरीज है, कैसे पैरेलल है। नेक्स्ट देखते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 7 टॉपिक नंबर है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के वजह से हीटिंग होता है, हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है इसका हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे। यूनिट 8 है, यूनिट 8 ने टॉपिक 8 है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स। जैसे कि हम लोग ठंड में पानी गर्म करते हैं तो वहाँ हीटिंग इफेक्ट्स का यूज हुआ है, ये हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से फॉर्मूला है ये हम लोग पढ़ेंगे। ये यूनिट 12 का सिलेबस है, क्लास 10। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 12। जैसा कि हम लोग सिलेबस देख चुके हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू ए कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, मूविंग थ्रू ए कंडक्टर कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम लोग देखते हैं ये एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। अब इसमें हम लोग बैटरी लगा दिए। अब ये कंडक्टर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, क्या करेगा, फ्लो करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको अच्छे से देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देखना है। एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, यानी वायर जो तार बोलते हैं सो है, कोई चीज का कंडक्टर है। ये वायर उससे आ गया, बैटरी लग गया, और फिर बैटरी मतलब क्या है, यहाँ वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज है, जिसको हम लोग पोटेंशियल भी बोलते हैं। करंट लग गया यानी वोल्टेज लग गया तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगा क्या होगा, इधर पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है। अभी अगर वोल्टेज नहीं लगाएंगे तो कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा, वोल्टेज मिल गया तो ये मूव करने लगेगा, कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। अब ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। अब ये हम लोग जी, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर भागा तो ये मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट भागेगा, ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट भागेगा। इलेक्ट्रॉन इधर क्यों भागा, इलेक्ट्रॉन इसलिए भागा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, स्ट्रीम ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, समझ गए। अब इसके आगे देखते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितना करंट फ्लो हो रहा है,
इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, जैसे कि किसी का वेट मेजर करना रहता है तो बोलते हैं कि 10 किलो 20 किलो है आदमी, लेकिन जब करंट को मेजर करना है तो उसके लिए एक यूनिट होता है जिसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, मैथमेटिकल देखते हैं। मैथमेटिकल वो था जो डिफिनेशन था वो समझने के लिए था कि करंट क्या होता है, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। अब इसको समझते हैं, जैसे कि अब इसको समझते हैं मैथमेटिकल में, मैथमेटिकल में समझते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। मैथमेटिकल वे में समझते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो एक कंडक्टर ले लेते हैं, कंडक्टर ले ली, इधर से ही बैटरी कनेक्ट। आप देखते हैं क्या डिफिनेशन था। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम को कहने का मतलब, इसे सेकेंड मान लें, ये एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं। तो इस एरिया से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, कितना चार्ज फ्लो किया, चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया यूनिट टाइम में, मतलब सेकेंड में, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया यूनिट टाइम यानी सेकेंड में, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन इस एरिया से फ्लो किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। ये इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया। और इसका यूनिट क्या बताए थे, यूनिट एम्पियर बताए थे, इसका सिंबल आई होता है, ये हम लोग। अब इसके बाद देखते हैं इसको दूसरा वे में कैसे लिख सकते हैं उसी फॉर्मूला को, जैसे कि आई बराबर क्यू बाई टी। यहाँ लिखा हुआ यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, इसी को रेट की जगह से यहाँ होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ बाई टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किस दर से फ्लो कर रहा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, रेट मतलब टाइम, यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखेंगे, रेट ही टाइम के बारे में बता रहा। अब इसके आगे देखते हैं स्विच क्या होता है, स्विच स्विच लगा होता है, यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर हम एक स्विच लगा दें, ऐसे कर दिए स्विच लगा दें, इसको आप क्लोज कर दिए, तो स्विच क्या हो रहा, स्विच क्या कर रहा, ये स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द कंपोनेंट्स इन द सर्किट, लिंक बना रहा, कंडक्टिंग लिंक बना रहा। ये अगर स्विच ओपन है, ओपन है तो कोई लिंक किसी के बीच में कोई जुड़ाव नहीं है, और अगर इसको हम क्लोज कर दिए तो कंडक्टिंग लिंक मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन इसमें कंडक्ट करने लगेगा, करंट इसमें फ्लो करने लगेगा, इसी को बोलते हैं स्विच बोलते हैं। स्विच प्रोवाइड कंडक्टिंग लिंक, खाली इतना याद रखना है स्विच का काम क्या है, स्विच करता है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग लिंक
कंपोनेंट्स के बीच में कंडक्टिंग लिंक्स प्रोवाइड करता है। ये क्या हो गया? अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। सर्किट तो हम लोग देख लिए हैं, सर्किट देख चुके हैं, ये रेसिस्टर लगा दिए, ये वोल्टेज है, ये क्या है सर्किट है, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टर है, करंट फ्लो कर रहा, तो ये सर्किट है। तो सर्किट क्या है? कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि लगातार क्लोज पाथ जिसमें करंट क्लोज पाथ में फ्लो करे उसको सर्किट बोलते हैं। कंटिन्यूअस लगातार और क्लोज पाथ, क्लोज मतलब बंद, खुला हुआ नहीं है, इसको बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट, क्लोज सर्किट, और जिसमें करंट फ्लो कर रहा नहीं कर पा रहा, क्लोज पाथ नहीं है, यहाँ स्विच खुला हुआ, क्लोज पाथ नहीं है, खुला हुआ है स्विच,